नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को स्कॉलर बीएड कॉलेज बनहत्ती में किया गया। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, प्रचार शालिनी खवाला, नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल नैयर परवेज, पप्पू कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्पांजलि की गई। साथ ही 27वां युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नाशिक में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को प्रतिभागियों ने ऑनलाइन टेलीकास्ट के माध्यम से देखा। वहीं ज्वाला युवा क्लब के द्वारा प्रतिभागियों ने नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही जिला स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्वेता कुमारी ने भी अपनी बातों को रखी। वही कार्यक्रम का संबोधन में स्कॉलर बीएड की प्रचारी शालिनी खवाले ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन राष्ट्रपति अध्यात्मिकता कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता है। उन्हें महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। साथ ही जातिवाद व सामाजिक आडंबरों के प्रखर आलोचक व सामाजिक समरसता कर विवेकानंद पक्षधर थे। वहीं नृत्य का अच्छा परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पप्पू कुमार वर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल नैयर प्रवेश ने किया। मौके पर उपस्थित स्कॉलर बीएड के प्रोफेसर हरदीप मेम, राहुल वर्मा, कुंती कुमारी, लंबोदर सिंह, प्रेमजीत सक्सेना, पंकज मंडल, चंचला कुमारी, पंकज मंडल, चंचल कौशिक, तानिया विश्वकर्मा, विद्या भारती समेत सैकड़ों प्रतिभागी उपस्थित थे।